हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 411 है, पार्ट नंबर 410 नहीं देखे हैं आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ए के जो है ना आपको यहाँ पे पी, देखिए एफ पी से संबंधित है। ठीक कुछ ही प्रकार से बताना है कि एक सी डी जो है ना ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ए के जो है ना आपको यहाँ पर पी एफ से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए के से किस प्रकार से आपको एफ पी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ए को क्या करेंगे कि यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। ठीक है देखिए ए से क्या लिख रहे हैं, आपको यहां पर एफ लिख रहे हैं, तो एफ में क्या करते हैं, ए में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से देखिए के में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, जब के में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहां पर पी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिए एक्स, एक्स में भी क्या करते हैं, एक्स में आपको 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है देखिए तो एक्स में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक सी आ गया, और उसी पास देखिए डी, डी में भी क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, जब डी में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, आई आ जाएगा। कितना गया, आई आ जाएगा, यानी जो आपका एक्स डी है ना आपको यहाँ पर सी आई से समित हो जाएगा। तो सी आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3, 3 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 से क्या हो रहा है, 59 हो रहा है, और 59 आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 3 से 11 किस प्रकार से हो रहा है, तो 3 में क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं। देखिए 3 गुना का 6 हो गया, और 6 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, कितना गया, 6 5 11 हो गया। ठीक कुछ ही प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं, 11 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, 11 दुनिया कितना है, 22 हो गया, और 22 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, कितना गया, यहाँ पर 27 है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 27 लिख क्या लिख रहे हैं, 59 लिख रहे हैं, तो 27 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, जब 27 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 27 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना जगह, देखिए 27 में 2 से गुना करेंगे तो 27 दोनों के 54 हो गया, और 54 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना जगह, यहाँ पर 59 हो गया, कितना गया, 59 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 59 को रखेंगे, 59 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, जब 59 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 118 आ जाएगा। ठीक है 118 गया, और 118 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, जब 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 123 आएगा, कितना गया, यहाँ पर 123 आएगा, यानी यहाँ पर देखिए 59 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना गया, 123 आएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 123 हो गया। 123 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति में आयतों की संख्या क्या है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया, इन आकृति में बताना है कि आयतों की संख्या कितना है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति में आपको आयतों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे जो आसान आयत दिख रहा है ना उसको पहले गिन लेते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर ये आयत दिख रहा है, ठीक है एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक आयत दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 दिख रहा है। ठीक है देखिए ये वाला आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। ठीक है इसको रखिएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 2 हो गया। ठीक है 2 के बाद में देखिए इसको देखेंगे तो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, अभी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है 3 हो गया, और 3 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 3 के बाद में देखिए ये दिख रहा है, 4 दिख गया, यहाँ पर 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है। ठीक है यहाँ तक संख्या कितने, 7 को दिख रहा है, 7 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है। ठीक है देखिए 7 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना गया, 8 हो गया। ठीक है ये बड़ा वाला कितना गया, 8 आ गया। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 8 के बाद में और कहीं दिख रहा है, देखिए 8 के बाद में इसको देखते हैं, देखिए इसको देखेंगे तो कितना दिखेगा, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है 8 के बाद में और देखिए 8 हो गया, 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है, 9 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है इसमें आकृति को संख्या आप कितना दिख रहा है, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है 9 दिख रहा है, 9 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 9 के बाद में देखिए और 9 के बाद में देखिए और कहीं दिखेगा। ठीक है 9 के बाद में अगर इसको रखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 हो गया। ठीक है
ठीक है, 9 को दिखा था, 9 के बाद में देखिए एक, एक इसको देखेंगे कितना गया, 10 आ गया, इसको देखेंगे तो कितना रहा, 10 गो रहा, ठीक है, 10 गो, 10 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ से भी दिखेगा, ठीक है, 10 एक इधर दिखेंगे तो कितना गया, 11 गया, कितना गया यहाँ पर दिखेगा तो 11 गया, ठीक है, कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। अब देखिए और कहीं आज दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी इसमें इस आकृति में कितना अर्थों की संख्या है, इसमें 11 गो है, कितना है, 11 गो है, 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि देखिए शिल्पा, यानी क्या लिख रहे हैं, शिल्पा, शिल्पा को यहाँ पर 84-13-52 के रूप में कोडित किया हो और यहाँ पर सुनील को यहाँ पर 86-913 के रूप में कोड किया जाता है, तो यहाँ पर बताना है कि अनिल को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर आए, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको देखिए यहाँ पर शिल्पा लिखा है, ठीक है, शिल्पा को यहाँ पर 84-13-52 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सुनील को क्या लिखता है, सुनील को आपको यहाँ पर देखिए 86-913 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि अनिल को क्या लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये शिल्पा और सुनील में ही आपको अनिल का आंसर दिया है, यानी दोनों में ही तीसरा का आंसर दिया है। किस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सुनील लिख रहा है, यानी शिल्पा लिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिल्पा होगा, ठीक है, यहाँ पर शिल्पा होगा, ठीक है, शिल्पा, और शिल्पा को देखते हैं क्या लिख रहा है, तो शिल्पा को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 84 लिख रहा है, ठीक है, देखिए 84 हो गया, 84-13 हो गया, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 52 लिख रहा है, ठीक है, 52 लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए सुनील, सुनील को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर सुनील लिख रहा है, एच लिख रहा है, यू लिख रहा है, एन लिख रहा है, आई लिख रहा है, और यहाँ पर एल लिख रहा है, ठीक है, सुनील, सुनील को क्या लिख रहा है, तो देखिए सुनील को यहाँ पर 86 लिख रहा है, यानी 86-900 कितना रहा है, 13 रहा है, ठीक है, 86-913 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि अनिल को क्या लिखेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर अनिल हो गया, तो अनिल को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों में आपको क्या दिखे, ये तीसरा का आंसर दिया है। किस प्रकार से आंसर दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ए क्या लिख रहा है, ए का देखिए इसमें मान कहाँ दिया है, देखिए ए को यहाँ पर देखिए 2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो यहाँ पर 2 को रखेंगे, ठीक है, एन, एन को देखिए यहाँ पर कहाँ लिख रहा है, देखिए एन का मान आपको यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है, तो 9 को रख लेते हैं। अब देखिए आई, आई को मान कहाँ लिख रहा है, देखिए आई का मान यहाँ पर आपको 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 1 को रख लेंगे, और यहाँ पर देखिए एल, एल, ठीक है, एल, एल का मान कहाँ लिख रहे थे, देखिए यहाँ पर एल का मान कितना दिया, 3 दिया, ठीक है, यहाँ पर 3 को रख लेंगे। तो आपको वही बताना है कि अनिल को कैसे लिखा जाएगा, तो अनिल को देखिए यहाँ पर 29-13 लिख रहा है, तो 29-13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च बिना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी अनाज दिए, चुकंदर दिए और कीवी दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अनाज दिए, अनाज के अंदर में क्या चुकंदर आते हैं, नहीं आते हैं, अनाज के अंदर में क्या कीवी आते हैं, नहीं आते हैं, और देखिए चुकंदर क्या अनाज के अंदर में आता है, नहीं, और कीवी क्या चुकंदर आपको समझते हैं, नहीं है, यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तीनों आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनाज क्या हो जाएगा, अलग, अनाज भी अलग हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनाज भी आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, अनाज भी अलग होगा, चुकंदर भी अलग होगा, यानी कीवी भी अलग होगा, तो यहाँ पर सबका क्या करता है, सबका वेन डायग्राम आपको अलग अलग बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनाज हो गया, यहाँ पर और लिखते हैं, अनाज हो गया, यहाँ पर चुकंदर को लिखते हैं, ठीक है, यानी चुकंदर हो गया, और यहाँ पर कीवी को की लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, आपस में इस प्रकार से संबंध भी होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 2:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2:30 पर यानी सुइयों के घड़ी के, देखिए यानी क्या बोल रहा है, घड़ियों की सुइयों के बीच का कोण बताना है, ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2:30 हो रहा है, ठीक है, यानी 2:30 हो रहा है, तो घड़ी के बीच का कोण बताना है कितना कोण होगा, ठीक है। देखिए जब कोण पूछेगा तो कोण के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर 60 क्या होता है, घंटा होता है, यानी 60 इंच लिखेंगे तो घंटा हो गया, यहाँ पर 60 इंच लिखेंगे तो घंटा हो गया, फिर माइनस क्या करेंगे 11 में क्या करते हैं 11 एम लिखते हैं, तो एम लिखेंगे तो क्या होगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है, और बटा में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसी यानी इसी सूत्र पर यानी इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 60 दिए, ठीक है, 60 को 60 रखेंगे, फिर यहाँ पर घंटा दिया है, इंच मतलब घंटा, घंटा कितना बोल रहा है, तो 2 बज रहा है, कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो यहाँ पर 2 को रखते हैं, ठीक है, फिर माइनस दिया है कितना दिया, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, तो एम मिनट दिया, मिनट कितना दिया, 30 मिनट दिया, तो यहाँ पर 30 को रखेंगे, और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेंगे। अब यहाँ पर गुना करते हैं, तो 6 दुनी कितना गया, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना गया, 12 आ जाएगा,
यहाँ पर 6 दुनी के 12 गया 120 हो गया, और यहाँ पर देखिए 11 तीन 33 हो गया, यानी 330 आ गया। कितने का 330 आ गया, और इन दोनों का करेंगे आपस में भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 100 क्या करें 120 को यहाँ पर 330 में माइनस कर लेंगे। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 210 बच जाएगा। कितने बचे 210, और 210 को क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 210 को 2 से भाग करेंगे तो कितने मिनट में कट रहा है, यानी 105 मिनट में। कितने मिनट में, 105 मिनट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 105 डिग्री। तो आपको बताना क्या कोण क्या होगा, तो कोण आपको 105 डिग्री होगा। तो 105 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ताश जो है ना आपको जोकर से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पुस्तक जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे से समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ताश जो है ना ताश आपको जोकर से किस प्रकार से समझते हैं। ताश की गड्डी में क्या होता है, देखिए ताश की गड्डी में यानी ताश की गड्डी में जो जोकर है ना वो अतिरिक्त कार्ड होता है। क्या होता है, अतिरिक्त कार्ड होता है। यहाँ पर कहते हैं अतिरिक्त रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अतिरिक्त लिखते हैं, अतिरिक्त हो गया, ठीक है अतिरिक्त हो गया, यानी अतिरिक्त कार्ड है। क्या कार्ड है, ठीक है कार्ड है। देखिए जिस प्रकार से ताश की गड्डी में यानी जोकर जो है ना जोकर अतिरिक्त कार्ड है, उसी प्रकार से यहाँ पर पुस्तक रहे हो, पुस्तक जो है ना क्या है पुस्तक, तो पुस्तक के ऊपर रखते हैं, ठीक है यानी पुस्तक के ऊपर, पुस्तक के ऊपर क्या होता है आवरण होता है। क्या होता है, यानी यहाँ पर आवरण हो गया, ठीक है यानी आवरण है, यानी आवरण चढ़ा होता है। यहाँ पर आवरण चढ़ा होता है, ठीक है यानी आवरण चढ़ा होता है। यानी किस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है पुस्तक, पुस्तक के ऊपर में क्या होता है कोभर होता है, यानी उसको पता चलता है ना कि एसएससी का ये बुक है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आवरण, यानी उसी को क्या बोलते हैं आवरण बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा आवरण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आवरण से समझ हो जाएगा, यानी जिस प्रकार से देखिए ताश की गड्डी में जोकर क्या है एक अतिरिक्त कार्ड होता है, उसी प्रकार से पुस्तक, पुस्तक के ऊपर क्या होता है एक आवरण चढ़ा होता है, ठीक है। तो आवरण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी जिस पर यानी 7 से 12 तक की संख्या बनी है, यानी 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही, देखिए बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको दो स्थितियाँ दर्शाया गया है, जो कि आपको यहाँ पर 7 से लेकर 12 तक की संख्या बनी हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 9 दर्शाने वाले फलक की विपरीत संख्या पर कौन होगा, पूछ रहा है कि 9 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब एक ही पासे का दो स्थितियां दिए गए, इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोनों स्थितियां में दो फलक कॉमन निकालेंगे, यानी दो फलक जब एक समान दिखेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे हम यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है, यानी इस स्थितियां में क्या दिख रहा है 7 और यहां पर 11 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यानी इसमें भी क्या दिख रहा है 7 और 11 इसमें भी दिख रहा है, यानी दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यानी 7 11 7 11 जब 7 11 7 11 कॉमन मिल गया तो तीसरा जो है ना आपको एक दूसरे का विपरीत होता है, तो तीसरा क्या होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो देखिए 9 क्या पूछा है यहाँ पर, 9 का विपरीत क्या होगा, तो वही पूछा है कि 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो 9 का विपरीत आपको यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितने है 10 हो गया, तो 9 का विपरीत क्या हो जाएगा 10 हो गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों को पहचान करें जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको क्या दे, तीन आपको क्या दे भाषा दिए, इन तीनों भाषा में आपको, देखिए इन तीनों भाषा में आपको बताना क्या है, देखिए बताना है कि वो, देखिए यहाँ पर देखिए आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों को पहचान करें केवल एक भाषा, देखिए ये बोल रहा है कि एक भाषा ही बोलने वाले हैं। क्या है एक भाषा, इसमें आपको बताना क्या है कि नीचे यहाँ पर एक डायग्राम दिया, ठीक है। इन तीनों डायग्राम को बताना है कि यहाँ पर देखिए केवल एक भाषा बोलने वाले की संख्या बताना है। क्या बताना है, एक केवल एक भाषा बोलने वाले, जब एक भाषा बोलने वाले की संख्या बताना है तो यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर एक बोल रहा है ना, तो एक को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दे अंग्रेजी दिया है, ठीक है ये अंग्रेजी भाषा बोल रहा है। इसके बाद में देखिए इसको रखते हैं, ठीक है ये क्या बोल रहा है आपको हिंदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है हिंदी बोल रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये रेड वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पर तमिल बोल रहा है, क्या बोल रहा है तमिल बोल रहा है, लेकिन आपको एक ही भाषा को बोलने वाला बताना है, ठीक है यानी केवल एक ही भाषा बोलता है। देखिए तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई क्या दिख रहा है केवल अंग्रेजी बोल रहा है, अगर उसी को एल रखेंगे एल दोनों में आ रहा है हिंदी और अंग्रेजी में रहे नहीं हो रहा है, ठीक है हमको एक भाषा को बताना है, ठीक है केवल एक भाषा, एक भाषा में क्या दिख रहा है आई दिख रहा है, यानी केवल वो आपको एक भाषा दिख रहा है आई हो गया। फिर इसके बाद में प्लस करेंगे और यहाँ पर देखिए हिंदी जो है हिंदी आपको देखिए जे दिख रहा है,
जे जो है ना जे आपको हिंदी भाषा बोल रहा है, ठीक है, हिंदी भाषा बोल रहा है क्योंकि एक ही बोल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या तमिल दिया है तो तमिल को क्या रखते हैं, देखिए तमिल में के दिख रहा है, के जो है ना आपको केवल तमिल बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्या रखते हैं, के को रखते हैं, क्या रखें, के को रखें। ये तीनों भाषा क्या है आपको अलग अलग बोल रहा है, देखिए तमिल हो गया, अंग्रेजी हो गया और हिंदी हो गया, आई जे के, ये तीनों क्या है अलग अलग आपको भाषा बोल रहा है, ठीक है। और अलग अलग भाषा बोलने वाले को ही संख्या बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई जे के, तीनों अलग अलग बोलने वाले की संख्या कितना का, के आई जे, तो के आई जे देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी के जे आई, यानी देखिए देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, के जे आई लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी रख लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही होगा, देखिए पहले आई रख लिए, जे रखिए, के रखें, तो पहले के रख लीजिए, पहले के रखते हैं फिर प्लस में जे रख लेते हैं, फिर प्लस में क्या रखते हैं आई को रख लेते हैं, ठीक है, आई को रख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 25 प्लस 5 भागा 2 बराबर 40 और यहाँ पर 35 प्लस 5 भागा 2 बराबर 60 है, तो यहाँ पर 45 प्लस 5 भागा 2 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए 25 प्लस 5, ठीक है, 25 प्लस 5, ठीक है, 25 प्लस 5 और भागा 2 दिया है, इनको क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। ये 40 किस प्रकार से लिख रहा है हमको पहले वो देखना होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, अगर 25 को 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना गया यहाँ पर 30 आ गया, कितना गया 30 आ गया, ठीक है, 30 और 30 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 15 गया, लेकिन यहाँ पर तो 40 लिखा है तो क्या हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको प्लस का चिन्ह दिया ना उसका जगह पर कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि जो आपको समीकरण यानी यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको माइनस रखेंगे, ठीक है, माइनस रखेंगे और भागा की जगह पर क्या रखते हैं गुना रखते हैं, यानी प्लस की जगह पर क्या रखेंगे माइनस को और भागा की जगह पर गुना को रखेंगे, तो आप समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है और 25 यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर गुना कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है और यहाँ बराबर में हमको 40 लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 25 में से 5 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 20 हो गया, कितना गया 20 हो गया और 20 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना गया यहाँ पर देखिए 40 आएगा ना, 40 आएगा, ठीक है, वही आपको देखिए यहाँ पर 40 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 35 को भी करेंगे, देखिए तो 35 तो प्लस दिया है तो प्लस की जगह पर हमको माइनस रखना है और भाग की जगह पर गुना रखना है। अब देखिए 35 हो गया तो 35 में से 5 को देखिए यहाँ पर 35 रख लेते हैं, यहाँ पर 5 को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 को रखते हैं। अब इनको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, 35 में से 5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 30 हो गया और 30 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 60 आ गया, कितना गया 60 आ गया, देखिए यहाँ पर 60 दिया ना, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर 45 को भी रखेंगे, यानी 45 प्लस दिया तो इसके जगह पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर भागा कितना दिया तो भागा की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 45 दिया, ठीक है, 45 माइनस करेंगे और यहाँ पर 5 करेंगे और यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर गुना रखेंगे, गुना कितना दिया 2 दिया और बराबर हमको कौन सी संख्या आएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो 45 में से 5 को हटाएंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, और 40 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा 40 दूनी को 80 जाएगा, कितना 80 जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए यानी 5 प्लस 4 भागा 2 बराबर क्या लिखेगा 80 लिखेगा, क्या लिखेगा यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 80 हो जाएगा, तो 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा है, ठीक है, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर प्लस और प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर भागा और भागा देखिए यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है गुना हो, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, इन समीकरण में आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया, ठीक है, इन समीकरण दिया, इन समीकरण को जो चिन्ह को बदलने के बाद में आपको समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये आपको प्रश्न देखिए एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ देखिए ध्यान से देखेंगे यहां बोल रहा है कि प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है भागा बोल रहा है, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं भागा को रखते हैं, देखिए यहां पर आपको समीकरण दिए इसके जगह पर क्या रखते हैं भागा रखते हैं। अब आपके बोल रहा है कि गुना, गुना का क्या बोल रहा है यहां पर माइनस, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं माइनस को रखते हैं, ठीक है, ये माइनस हो गया, यहां पर क्या माइनस है। अब क्या बोल रहा है कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखते हैं। अब बोल रहा है कि भागा, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, तो भागा की जगह पर क्या रखते हैं गुना को रखते हैं, ठीक है। अब समीकरण को सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है 16 गया, ठीक है, 16 हो गया, 16 माइनस कितना दिए यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना दिए गुना दिए, ठीक, इसको क्या करते हैं हम गुना में रखते हैं, ठीक है, क्या करेंगे गुना में, सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया ना, प्लस के बाद में ही माइनस दिया, तो माइनस कितना गया 2 हो गया, ठीक है, 2 के बाद में यहाँ पर भागा 4 रखेंगे, फिर गुना कितना दिए 12 दिए, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा 34 हो गया, ठीक है, 34 हो गया, यहाँ पर देखिए इनको जोड़ लेंगे तो कितना गया 21 हो गया,
देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना गया, यानी 16 को 5 को जोड़ेंगे तो 21 हो गया, ठीक है, 21 हो गया। और 21 माइनस कितना दिए, यहाँ पर 21 हो गया, 21 माइनस हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 में और 2 से गुना कर दिया, 3 दुनिया का 6 हो गया, यानी 21 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। कितना गया, 15 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लिए एक प्रश्न दिया गया, ठीक है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, पहले इसको आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं, तो सभी कुत्ता को रखते हैं क्या है, बिल्लियां में, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी कुत्ते को, तो यहाँ पर डी रखते हैं डॉग, डॉग, यानी सभी कुत्ते को क्या रखते हैं, यहाँ पर बिल्लियां में रखते हैं, क्या रखते हैं, बिल्लियां में रखते हैं। सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं, ठीक है, यानी बिल्लियां हो गए, ये क्या हो गए, यहाँ पर बिल्ली होगा, ठीक है। सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं। यहाँ पर दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं, कुछ जो बिल्लियां हैं क्या है, मुर्गियां हैं। तो कुछ बिल्लियां को देखिए, यहाँ पर कुछ बिल्लियां क्या है, मुर्गियां हैं, ये आपको मुर्गियां हो गया, ठीक है, ये मुर्गियां हो गए यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी सभी मुर्गियां गुलाबी हैं, तो सभी जो मुर्गियां हैं क्या है, गुलाबी हैं, तो सभी मुर्गियां को क्या करते हैं, यहाँ पर गुलाबी में रखते हैं, ठीक है। तो गुलाबी हो गया, ये क्या है, गुलाबी है, क्या है, गुलाबी है, ठीक है, ये गुलाबी दिख रही है। ये तो आपको डायग्राम बना दिया, कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी कुछ जो कुत्ता है ना क्या दिख रहा है, बिल्लियां, यानी सभी बिल्लियां के अंदर में क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, तो क्या हो जाएगा, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखिए दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं, कुछ जो बिल्लियां हैं ना क्या है, गुलाबी है। देखिए यहाँ पर कुछ बिल्लियां गुलाबी दिख रही है, देखिए एक क्या दिख रहा है, बिल्लियां है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक गुलाबी दिख रहा है, यानी कुछ बिल्लियां गुलाबी है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1, 2 दोनों सही बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, दोनों, देखिए दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों को अनुसार है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों दोस्तों आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।